आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नौबतपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 95 पुड़िया स्मैक के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के नौबतपुर में पुलिस ने 5 लोगों को 95 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि नौबतपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नौबतपुर इलाके के फतेहपुर गांव में स्थित स्कूल के पास 5 लोग पहुंचे हुए हैं जो कि स्मैक के साथ हैं। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी लेने पर 95 पुड़िया स्मैक बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार लोगों की पहचान शहर रामपुर गाँव निवासी पवन कुमार और फतेहपुर गाँव निवासी सलीन कुमार और चैचौल गाँव निवासी देव कुमार, बिट्टू कुमार और कन्हैया कुमार के रूप में की गई है। वहीं नौबतपुर थाना अध्यक्ष रफीकुर रहमान ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फतेहपुर स्कूल के पास से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 95 पुड़िया स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर 5 युवकों को जेल भेज दिया गया। सर सुनने में आ रहा है, कल दिनांक 19 फरवरी को संध्या में गुप्त सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति फतेहपुर स्कूल के पास स्मैक की बिक्री कर रहे हैं और सेवन भी कर रहे हैं। ऐसी सूचना पर थाना के सशस्त्र बल एवं पुलिस अधिकारी पहुंचकर कुल 5 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 95 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। उस अभियुक्त 3 अभियुक्त उसमें से ग्राम चचौल तथा 1 शहर रामपुर, 1 फतेहपुर का निवासी है। पटना के नौबतपुर से हमारे संवाददाता बिक्कू कुमार की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।